वेलकम बैक टू माय चैनल मलिक्स किचन सीक्रेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी पालक पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी और इसे आप अफ्तार के वक्त अपने टेबल की जीनत ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप बेसन लेंगे, हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करेंगे और इसको ठीक सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। साथ साथ पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें पानी मिक्स किए तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी। अब हम इसको 5 मिनट तक इस तरह से फेंटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। फिर हम इसमें पकौड़ों का सामान ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्लाइस में कटे हुए आलू ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से, ये एक आलू हमने काटा है। स्मॉल साइज का एक अदद प्याज ऐड करेंगे। एक कप स्लाइस में कटी हुई पालक ऐड करेंगे। 2 अदद ग्रीन चिलीज बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के पुदीना ऐड करेंगे। धाड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, अनारदाना पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और मसाले भी हम चख लेंगे, अगर वो कम हुए तो वो भी ऐड कर लेंगे। ये पालक वाले पकोड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं, छोटे बड़े सब इनके दीवाने होते हैं। और आलू जो डालो तो बच्चे तो आलूओं के दीवाने होते हैं। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। ये सारे पकोड़े हम इसमें डाल देंगे। मैं ज़रा बड़े बड़े बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना लेना जैसे आपको पसंद है। एक साइड से पकोड़े पक गए हैं, अब हम दूसरी साइड इनकी चेंज करेंगे। दूसरी साइड से इनको फ्राई करेंगे। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि हमने जो आलू बनाए हैं वो स्लाइस में लंबे लंबे थे तो इस वजह से ये फैले हुए पकोड़े बने हैं। ये खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं, क्रिस्पी से भी होते हैं और टेस्टी और यम्मी। पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें स्टेनर की मदद से स्टेन आउट कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार पालक पकोड़ा तैयार हो गया है। आप इन पकोड़ों को इमली की चटनी के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं या आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं। इन पकोड़ों को अफ्तार में झटपट तैयार किया जा सकता है और इनको ऐसे भी आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। अब आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।